ग्लेन मैक्सवेल हारी हुई बाजी जीत ली यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए, बाजी करवा ली इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल के नाम। वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। मैक्सवेल इनके नाम, ये शाम ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है। क्या इनिंग्स थी, ये भी नहीं कह सकता हूं कि एक टांगों पर खेली गई है इनिंग्स, कमाल की है इनिंग्स। 8 matches, 6 wins, 12 points क्वालिफाई कर गए हैं ऑस्ट्रेलिया। एक बल्लेबाज, बिल्कुल एक बल्लेबाज, 10 sixers और 21 चौके लगाए। क्या इनिंग्स थी, गजब की इनिंग्स। 201 रनों की पारी 128 गेंदों में। वानखेड़े पर जिसने भी ये इनिंग्स देखे वो मरते दम तक ये नहीं भूलेगा कि आज मैक्सवेल नाम का एक तूफान वानखेड़े पर आया। मान क्या पड़ जाए, क्योंकि प्रोसेस करना जो अभी देखा है पिछले 1-1.5 घंटे में, शायद यही कहेंगे सौभाग्य नहीं था तनवीर ज्वेल्स पे कपिल देव के 175 को देखने का, क्योंकि कैमरा नहीं थे। लेकिन शायद महसूस यही किया होता और भारतीय ने जो आज करेगा शायद हर ऑस्ट्रेलिया के दर्शक। हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, मोहम्मद कैफ, अभी ये लाइव परफॉर्मेंस देख के आए और अपने हैरोल्ड स्टॉप परफॉर्मर दोहरा शतक, रन चेज में सबसे बड़ी पारी, विश्व कप के कमबैक हिस्ट्री में सबसे बड़ी पारी। ग्लेन मैक्सवेल को आज के बाद आप जब भी याद करेंगे शायद इस पारी की चर्चा आप जरूर करेंगे। दुनिया इनको याद रखेगी इस पारी के लिए, क्योंकि जो ये पारी आज खेल गए हैं ये इनके जीवन की सबसे बढ़िया पारी हो चुकी है। ये इससे बेहतर कोई और पारी खेलेंगे तो भाई अपने आप को भी ये चौंकाएंगे। जो आज काम किया है ना, ये ऐसा काम है कि ये शायद 100 सालों में एक बार होता है। जो कपिल पारी की बात करी आपने, वो 180 रन की, 175 रन की पारी जो हमने देखी नहीं, पर आज हम महसूस कर सकते हैं कि इसी सिचुएशन में भारत था और वहाँ कपिल पारी ने क्या पारी खेली होगी। और ये कमाल की पारी है, उससे भी बेहतर पारी में इसलिए कहूँगा क्योंकि इंजरी हो गए, इंजरी के बाद भागे नहीं और चौके छक्के मारते चले गए और चेज करते हुए ये पारी आई है। ये वो पारी पहले रन लगाने में आई थी। देखिए कोई कंपेरिजन होना ही चाहिए, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इनको खड़े होकर ना सैल्यूट ही करना चाहूँगा कि जो आज इन्होंने किया है ये बहुत ज़्यादा काबिल